2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान प्रदेश में हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू की, लेकिन बसपा का आरोप है कि पुलिस भेदभाव की भावना से काम कर रही है। इस कड़ी में बसपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में एक ज्ञापन भी दिया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पुलिस द्वारा अवैध तरीके से मुकदमे दर्ज कर और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जिस तरीके से सरकार द्वारा उत्पीड़न शुरू हुआ उसको लेकर के हमारी मुखिया, हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी महाराजी जी ने, जब इन लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा, उनको जबरदस्ती केसों में फंसाया जाने लगा, घरों से उठा लिया गया, घरों में घुस करके तोड़फोड़ करी गई पुलिस द्वारा, और उसके बाद यहाँ तक इतना आतंक फैलाया पुलिस ने कि लोग गांव के गांव जो है पलायन करने लगे दलित समाज के लोग, तो उसके बाद हमारी जो माननीय बहन जी ने उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर बात करी उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से, और होम मिनिस्टर साहब से उन्होंने फोन में बात करके 3 तारीख को ही इस सारी चीज़ को उन्होंने कहा बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और प्रदेश में प्रताड़ना हो रही, इसको रोकना चाहिए। वहीं बसपा नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दरअसल भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश में राजनीति का दौर जारी है और सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।